जो आया है वो जाएगा, कह गए थे साधु संत। ये तो समय की रीति है और समय के आगे किसी की नहीं चली। इसी समय ने हमारे सबसे महान हास्य कलाकारों में से एक राजू श्रीवास्तव को हम सबसे अलग कर दिया। लंबी बीमारी के पश्चात वे 58 वर्ष की आयु में संसार को छोड़ गए। उनके असामयिक निधन से पूरा राष्ट्र शोकाकुल है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें न केवल इस बात से प्रसन्नता है अपितु इस बात को वे सार्वजनिक तौर पर प्रकट भी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं निमेश पांडे विश्लेषण करूंगा ऐसे लोगों का जिन्हें किसी की मृत्यु पर कुछ विशेष आनंद मिलता है, केवल इसलिए क्योंकि वह उनके विचारधारा के नहीं है और इनकी विकृत मानसिकता का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एवं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हाल ही में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का हृदयाघात के पश्चात लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया था। वे एम्स में भर्ती थे और 58 वर्ष के थे। संपूर्ण राष्ट्र इस असामयिक निधन से शोकाकुल है क्योंकि वे उन चंद कलाकारों में सम्मिलित थे जिनके प्रशंसकों में कमी तो कतई नहीं थी। परंतु कुछ ऐसे भी निकृष्ट लोग हैं जो केवल अपने आका को प्रसन्न करने हेतु किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार हैं। इस ट्वीट को बस पढ़िए, नहीं बस पढ़िए आप। एक ट्विटर यूजर मुल्ला इब्राहिम ट्वीट करते हैं, राजू श्रीवास्तव एक धर्मांध व्यक्ति थे, वो एक नस्लवादी थे, इस्लाम विरोधी थे। अच्छा जी, चूंकि राजू श्रीवास्तव इनके पंथ के नहीं थे, इनके विचारधारा की सेवा शुश्रूषा नहीं करते थे, सेक्युलर विचारधारा के नहीं थे, इसलिए इन्हें मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर देना चाहिए। नहीं, अब कुछ लोग तो भैया अखिलेश बाबू की भांति केवल अपनी राजनीति चमकाने तक सीमित रह गए। परंतु कुछ लोग तो प्रशांत कनौजिया जैसे भी होते हैं। ऐसे ही एक अन्य मुस्लिम ट्विटर यूजर की कुंठा से भरे ट्वीट के उत्तर में ये बंधु लिखता है, मैं पिछले 5 से 7 वर्षों से खासा नाराज था जब इसने अपना राक्षसी चेहरा दिखाया। ये अपशब्द देता था और इतना नीचे गिर गया कि इसने अपना मान सम्मान सब खो दिया। मृत्यु के बाद भी पाप पीछे नहीं छोड़ते, परंतु यही तो अंतर है हम में और उनमें। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत ही निकृष्ट है तो ये तो कुछ भी नहीं है। भंग पड़ चुके कथित कॉमेडी ग्रुप AIB के वामपंथी कलाकार रोहन जोशी ने जो कुछ कहा उसे पढ़कर आप समझ नहीं पाओगे कि आप इसे अपशब्द कहें या क्या करें। यह व्यक्ति इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, जी हां, पोस्ट करता है, हमने कुछ नहीं खोया, उन्हें कॉमेडी के भावना के बारे में कुछ नहीं पता था। भले ही उन्होंने एकाध अच्छे चुटकुले मारे होंगे, परंतु जिन भक्तों ने आपदा के वक्त अपनों को खोया वो तनाव ना ले। उनके पापा और अक्षय कुमार एक मंदिर बनवा रहे हैं, वही आप प्रार्थना कर ले आत्मा की शांति के लिए। मुझे राजू श्रीवास्तव के जाने का कोई दुख नहीं। ऐसे ही लोगों के लिए कभी राजू चाचा कहे होंगे, हाँ ये कर लो पहले। ये वो रोहन जोशी बोल रहा है जिसका स्वयं का AIB ग्रुप अपने स्वयं का एक रोस्ट वीडियो तक नहीं संभाल पाया था, और जब चंद पादरियों से झेला नहीं गया तो उनके सामने ऐसे मिमियाने लगे मानो बकरियों को नहीं इन्हीं को हलाल किया जा रहा हो। इसी पर कटाक्ष करते हुए TFI के संस्थापक अतुल मिश्रा ने रोहन जोशी का पोस्टमार्टम करते हुए एक ट्वीट किया। ये रोहन जोशी की कुछ कैंडिड फोटो हैं जब AIB को ईसाइयत का उपहास उड़ाने के लिए क्षमा मांगनी पड़ी थी, तबे चर्च को न्यू एज कॉमेडी और न्यू वेव ऑफ कॉमिक समझाने में असफल रहे थे। परंतु इनकी इंस्टा स्टोरी देखिए, जब COVID-19 पर भक्त के मृत्यु का ये जश्न मना रहे थे और इन्हें राम मंदिर का उत्सव मनाने को कह रहे थे, और हां इसके लिए इन पर क्षमा मांगने को दबाव नहीं डाला गया था। जब सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ा और लोगों ने इस पोस्ट के लिए इनकी आलोचना की तो इन्होंने पोस्ट तो डिलीट कर दिया, पर आगे एक और पोस्ट डालते हुए बोला,
अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके दबाव में पोस्ट डिलीट किया है तो आपको मेरी क्रोध का कोई अंदाजा ही नहीं है। मैं आपके दबाव में पोस्ट डिलीट नहीं कर रहा हूं, आपसे मुझे कोई नाता नहीं है, मैं नैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, भाड़ में जाइए। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो रोहन जोशी को सॉरी बोलने का नाटक भी करना पड़ा। भाई मेरे, प्रोपेगेंडा में इतने अगर और मगर नहीं चलते। यही रीति अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पर्रिकर एवं सुषमा स्वराज की मृत्यु पर भी देखने को मिली थी। अब राजनेताओं को छोड़िए, इन राक्षसों ने तो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर तक को नहीं छोड़ा था। विश्वास नहीं होता तो स्ट्रीट स्क्रीनशॉट मंडली को ही देख लीजिए। और इन्हें मचाने में तो हमारे स्वघोषित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर कैसे पीछे रहते। अब प्रश्न ये उठता था, यदि आपके विचार किसी से भिन्न हैं तो क्या आप उसके मृत्यु का जश्न मनाओगे? क्या हम लोग जीते जागते जॉम्बी नहीं बन रहे? सत्य कहे तो कुछ वर्ष पूर्व यह पाप मैंने भी किया था और इसके दुष्परिणाम आज भी मुझे कचोटते हैं। अब वो जो जाते हैं वे ना कोई बुरहानवानी है जिनके जाने से कोई जगह आतंक मुक्त हुई हो, ना ही ये कोई सैयद अली शाह गिलानी है जिनके मृत्यु से देश और समाज का कल्याण हुआ हो, परंतु उनको कोसने वाले व्यक्तियों को अपने मानसिकता पर ना केवल गर्व होता है अपितु ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने कोई पदक प्राप्त किया हो। परंतु आपको क्या लगता है, ये केवल राजू श्रीवास्तव तक सीमित है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। समय के चक्र को तनिक घुमाइए। जब जनरल बिपिन रावत की असामयिक मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक मृत्यु हुई थी, तब भारत में चल रहे पाकिस्तान की बी टीम यानी नेशनल हेराल्ड और उनके संपादक संजुक्ता बासु ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा था, मैं कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रही हूं, सेल्फ सेंसरिंग, क्योंकि ठीक है, दुखद हुआ है और सब कुछ, परंतु हां, अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक कश्मीरी आतंकवादी की हत्या का उत्साहपूर्वक समर्थन किया था। लोगों को दूसरों के लिए क्रूर मौत की कामना नहीं करनी चाहिए, भले ही आतंकवादी क्यों ना हो। अब इस ट्वीट से आप उनकी मानसिक स्थिति और आतंकियों के प्रति इनकी सहानुभूति का स्पष्ट तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस्लामिस्टों और खालिस्तानियों से ऐसी ही प्रतिक्रिया की आप आशा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये किसी के सगे नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारतीय सेना के पूर्व अफसर होकर भी जनरल रावत के मृत्यु के प्रति कुछ अजीब ही रिएक्शन दे रहे थे। सेवानिवृत्त कर्नल बलजीत बख्शी ने ट्वीट का सहारा लिया और सीडीएस की दुर्घटना की खबर पर खुशी जता दी। बख्शी ने बिना नाम लिए सीडीएस पर निशाना साधा और कहा, लोगों से निपटने का कर्म का अपना तरीका होता है। परंतु विरोध बढ़ते ही उन्होंने ट्वीट को हटा दिया। वहीं सेवानिवृत्त कर्नल अजय शुक्ला, जो नियमित रूप से बिजनेस स्टैंडर्ड में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रोपेगेंडा कॉलम लिखने से बाज नहीं आते हैं, उन्होंने भी अपने मानसिक कुंठा को जगजाहिर करने में कोई गुरेज नहीं किया। भारतीय वायुसेना द्वारा बिपिन रावत की मृत्यु की आधिकारिक घोषणा के कुछ घंटों बाद ही, जब देश शोक में था, तो शुक्ला ने ट्विटर पर एक केक की तीन तस्वीरें पोस्ट की और कैप्शन लिखा, यमी। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। यहां से समझ में आता है कि लोगों का अपना जीवन होता है, परंतु सेना के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु और राष्ट्रीय शोक के समय ऐसी तस्वीरें लगाना न केवल असंवेदनशील है, बल्कि अजय में सहानुभूति और परिपक्वता की कमी तथा जनरल बिपिन रावत के प्रति कुंठा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसके अलावा विंग कमांडर अनुमा आचार्य नाम की एक अन्य सेवानिवृत्त अधिकारी ने ट्विटर पर दिवंगत सीडीएस के प्रति अपनी कुंठा और घृणा को फिर से दर्शाया। उन्होंने ट्वीट किया, रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। सच कहें तो ये घृणा इस हद तक बढ़ी हुई है कि ऐसे लोग अपनी विचारधारा के विकृत एजेंडे से देश के लिए अच्छे बुरे के बीच मुश्किल से अंतर कर पा रहे हैं। अगर हमने इन्हें अभी भी नहीं रोका तो राजू श्रीवास्तव जैसे लोग तो केवल मील के पत्थर हैं। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनकी वासना समूचे समाज का विनाश नहीं कर देती।